अगर समस्याएं आए तो घबराएं नहीं, क्योंकि समस्याएं बदलाव की ओर इशारा करती हैं। नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन होने वाला है, ये कितना महत्वपूर्ण है और इस राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर क्या प्रभाव होगा, इस पर विस्तार से बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं, तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो, और आपका राशिफल और लकी नंबर के अनुसार लग तो जानेंगे ही। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहे जी? दिनांक 16 जुलाई 2024 दिन मंगलवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, रात के 8:33 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 7:52 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है, पंडित जी ये जो सूर्य का राशि परिवर्तन है, इसका क्या महत्व है? सूर्य देव का राशि परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और उसी राशि परिवर्तन के आधार पर आप ये जान पाते हैं कि अगला एक महीना मोटे तौर पर आपका कैसा रहेगा। अब आज के दिन ही सूर्य देव कुछ समय बाद अपनी राशि बदल रहे हैं। क्या है ये मामला? देखिए, सूर्य देव अभी मिथुन राशि में विद्यमान हैं। 16 जुलाई को प्रातः काल लगभग 11:30 उनका कर्क राशि में प्रवेश होगा। जिस समय सूर्य देव राशि बदलेंगे, उस समय कन्या लग्न का उदय हो रहा है। अब कन्या लग्न द्विस्वभाव का लग्न है, इसीलिए इस परिवर्तन के जो परिणाम हैं वो मिले जुले होंगे। कर्क राशि में जब सूर्य देव जाएंगे तो बुध और शुक्र के साथ विद्यमान होंगे। इसका फायदा ये होगा कि आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा और जो बाजार है वो तेजी पकड़ लेगा। फाइनेंशियल मार्केट में एकदम से तेजी आ जाएगी। अब जिस समय सूर्य देव राशि बदल रहे हैं, उस समय छठवें भाव में शनि हैं और सप्तम भाव में केतु हैं। इसीलिए जो वर्तमान सरकार है या दुनिया भर में जो सरकारें सत्ता चला रही हैं, उन्हें बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ेगा। और इस समय अगर हम भारत की बात करें तो पड़ोसी राज्यों से, जो भारत के पड़ोसी देश हैं, उनकी तरफ से समस्या हो सकती है। छठे भाव में शनि का पाया जाना इस बात की सूचना दे रहा है कि न्यायालय की तरफ से कोई बड़ा निर्णय आ सकता है। कोर्ट की तरफ से कोई बड़ा निर्णय सरकार के लिए
शासन सत्ता के लिए, नियमों के लिए इस समय आ सकता है। किसी बड़े राजनेता, अभिनेता या प्रसिद्ध व्यक्ति को इस एक महीने में समस्या हो सकती है, उनके लिए ये एक महीना संकट का हो सकता है। तो सूर्य देव जो कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, सूर्य देव के कर्क राशि में प्रवेश का मिला जुला प्रभाव देश और दुनिया पर दिखाई देगा। फाइनेंशियल चीजें बेहतर होंगी, लेकिन राजनैतिक चीजों में दिक्कत जरूर दिखाई देती है। सूर्य के राशि परिवर्तन पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, अभी वक्त हो गया है राशियों का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है, मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आज उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और पंडित जी आज इनके लिए शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है, वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, करियर की रुकावट दूर होगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, तनाव आपके समाप्त होंगे, धन की समस्या आपकी हल होगी, करियर में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। ये जो सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, सूर्य देव कर्क राशि में आ जाएंगे, तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का पहली छह राशि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि पर क्या असर होगा, पंडित जी लोग जानना चाहते हैं कि उनकी राशि पर इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब सूर्य देव लगभग एक महीने तक आज से कर्क राशि में विद्यमान रहेंगे। सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर अगले एक महीने तक कैसा प्रभाव पड़ेगा? अगर मेष राशि की बात करें तो मेष राशि के लोग अगले एक महीने तक अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान बनाए रखें। हृदय की समस्या, छाती की प्रॉब्लम, हड्डियों की समस्या परेशान कर सकती है, और आप थोड़ा सब्र करके चलिएगा, आपके महत्वपूर्ण काम इस समय रुक सकते हैं। बुद्धिमानी ये कहती है कि इस समय शांति बनाए रखिए। वृषभ राशि,
आपके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है और आपके लिए धन लाभ के बड़े अच्छे योग बनेंगे अब और धन की बढ़िया प्राप्ति होगी। करियर में आपके नई शुरुआत हो सकती है। करियर में अगर कुछ नया करना चाहें तो इस समय उसकी शुरुआत की संभावनाएं आपके लिए बन जाएंगी, यानी ये एक महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मिथुन राशि की बात करें, सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत बेहतर नहीं है। धन के लिए, पैसे रुपए के लिए आपको मुश्किल हो सकती है, धन के लिए आपकी समस्या बढ़ सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने स्वास्थ्य का और अपने पारिवारिक जीवन का मिथुन राशि वालों को इस समय बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आपके पारिवारिक जीवन में और आपके स्वास्थ्य में दिक्कतें हो सकती हैं। कर्क राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन इसी राशि में होने जा रहा है, तो कर्क राशि वालों को मैं कहूंगा कि आप अपने पारिवारिक मामलों में, अपनी फैमिली लाइफ में बड़ी सावधानी रखिएगा, क्योंकि आपके पारिवारिक जीवन में इस समय दिक्कत आ सकती है। आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है, बेवजह की चोट चपेट और बेवजह की दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, तो इस समय सतर्क रहना, सावधान रहना आपके लिए जरूरी रहेगा। सिंह राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपकी सेहत में दिक्कतें हो सकती हैं, इसीलिए अपनी आँखों की समस्या से और अपनी हड्डियों की समस्या से बचिएगा। आँखों की और हड्डियों की समस्या आपको परेशान कर सकती है, इस बात का थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा। पैसे जरूर आ रहे हैं आपके पास, लेकिन पैसों का खर्चा इस समय बढ़ेगा और धन के खर्चों से आपको परेशानी हो सकती है, इस बात का ध्यान आप जरूर बनाए रखिएगा। कन्या राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा है और अगर आप इस समय कोशिश करेंगे तो आपको करियर में सफलता जरूर मिलेगी। करियर में सफलता का समय दिखाई दे रहा है और अगर थोड़ा प्रयास करेंगे तो आपके रुके हुए तमाम काम भी इस समय पूरे होंगे, तो आप अपने करियर का मामला, अपने रुके हुए कार्यों का मामला इस समय निपटाने का प्रयास करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, कुछ काम अभी रुक सकते हैं, धन के खर्चे आपके बढ़े रहेंगे, काल्पनिक समस्याओं से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह
सिंह राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। कोई लाभकारी यात्रा इस समय हो सकती है। कोई मनोकामना आपकी पूरी होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो लाभ ज्यादा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में भी सवाल है तो अवश्य पूछिए। उससे पहले आपको बता दें कि आगे आप सक्सेस मंत्र जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो। और साथ ही ऐसा क्यों अवश्य देखें, क्योंकि ऐसा क्यों में दैनिक जीवन में काम आने वाली महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हमारा शास्त्र क्या कहता है उसके बारे में पंडित जी बताएंगे। और आगे आप शुभ मंगल सावधान देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए। अब बात आपके सवाल। यदि आप सवाल पूछना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर भाग्यचक्र@aajtak.com में भेज दें। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से पहला सवाल किसका ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न चिराग कुमार ने लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं। 2 दिसंबर 1981 का जन्म है। 9:45 रात को शाहदरा दिल्ली। ये पूछ रहे हैं कि मेरी नौकरी में, मेरे करियर में तरक्की कब तक होगी और मेरी पारिवारिक स्थिति कब बेहतर होगी। चिराग, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है मकर। महादशा शनि की और अंतरदशा भी शनि की चल रही है। सबसे पहले मैं कहूंगा कि इस समय अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दीजिए, दुर्घटनाओं से बचाव करिए और सेहत में कोई लापरवाही मत करिएगा। पारिवारिक जीवन के जहां तक बेहतर होने का प्रश्न है, अप्रैल 2025 के बाद आपके पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। और दूसरी बात यह है कुंडली में कि कुंडली के अनुसार आपके करियर में प्रमोशन अगले साल के आरंभ में होता हुआ दिख रहा है। फिलहाल आप एक मूंगा बनवा के पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातः एक मूंगा पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपका कल्याण होगा। तो आपने जाना कि 6 राशियों पर सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा। बाकी की राशि वाले भी इंतजार कर रहे हैं, तो पंडित जी बाकी की जो 6 राशियां बची हैं उन पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या असर होगा? तो मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक हमने आपको बता दिया कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन का अगले 1 महीने तक आपके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा।
अब जानते हैं बाकी की छह राशियों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। बात करते हैं तुला राशि की। सूर्य के राशि परिवर्तन से आपके करियर में बड़ा और लाभकारी बदलाव हो सकता है। आपके करियर में बड़े बदलाव की संभावना दिख रही है और सबसे बेहतर बात यह है कि आपकी तमाम पुरानी जो समस्याएं हैं, ये तमाम पुरानी समस्याएं आपकी हल होनी शुरू हो जाएंगी। यानी आपको थोड़ा आगे बढ़कर प्रयास करना है और इस समय अगर आप आगे बढ़कर के प्रयास करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। वृश्चिक राशि। सूर्य देव के राशि परिवर्तन के साथ करियर को लेकर आपको समस्याएं हो सकती हैं। करियर में अचानक से दिक्कत आ सकती है, अचानक से नौकरी में समस्या हो सकती है और आपके पारिवारिक जीवन में, आपकी फैमिली लाइफ में भी इस समय परेशानी की संभावना दिख रही है। बुद्धिमानी ये कहती है कि वृश्चिक राशि के लोग इस समय शांत रहें। इस समय शांत रह करके अगर अपने मामले को, अपने काम को निपटाएंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। धनु राशि। सूर्य के राशि परिवर्तन से आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आपके जीवन साथी को सेहत में दिक्कतें आ सकती हैं और आपके उच्चाधिकारियों के साथ, बॉसेस के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। तो बहुत ईगो में, बहुत एग्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। शांतिपूर्वक मामला निपटाने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। मकर राशि। सूर्य का राशि परिवर्तन आपकी सेहत पर नकारात्मक असर डाल सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का और चोट चपेट का ध्यान रखिएगा। करियर के मामले में जोश में और जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। बुद्धिमानी यही कहती है, इस समय बड़ा निर्णय लेना आपको मुश्किल में डाल सकता है। कुंभ राशि। सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा है, इसीलिए आपके स्वास्थ्य के मामले में और आपकी मानसिक स्थिति में इस समय सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके तमाम रुके हुए काम भी इस समय पूरे होंगे अगर आप प्रयास करते हैं तो। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी रुकावटें जीवन में चली आ रही थी, वो रुकावटें इस समय बिल्कुल गायब हो जाएंगी। मीन राशि। सूर्य देव के राशि परिवर्तन के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, बेवजह का आपका तनाव बढ़ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। करियर में परिवर्तन के योग तो बन रहे हैं, लेकिन अगर आप परिवर्तन करने जा रहे हैं तो जरा सोच समझकर, सही आदमी की सलाह ले करके अगर आप परिवर्तन करेंगे तो बेहतर होगा, जल्दबाजी मत करिएगा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि जब भी सूर्य देव राशि परिवर्तन होते हैं, सूर्य की संक्रांति होती है, तो पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और दान करना चाहिए।
ऐसा क्यों कहा जाता है कि जिस दिन सूर्य का राशि परिवर्तन होता है, जिस दिन सूर्य की संक्रांति होती है, उस दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और दान करना चाहिए। देखिए, सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं यानी उनकी संक्रांति होती है, तो सूर्य की सारी ऊर्जा उस संक्रांति के समय में जल में प्रवेश कर जाती है। इसीलिए संक्रांति पर स्नान करना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्नान करेंगे पवित्र नदी में तो आपको निश्चित रूप से ऊर्जा का लाभ होगा, सूर्य की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और दूसरे नंबर में महत्वपूर्ण बात यह है कि संक्रांति पर जब आप दान करते हैं तो आने वाले समय में सूर्य संबंधी समस्या आपको परेशान नहीं करती है। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई लाभकारी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, चोट चपेट से बचाव करें, धन अपना संभाल कर रखें, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, आकस्मिक धन का आपको लाभ होगा, करियर में आपके कुछ बदलाव होगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो आज हम बात कर रहे हैं कि सूर्य का राशि परिवर्तन हमारे लिए क्या लेकर आया है, हमारे राशि पर इसका क्या असर होगा। पंडित जी, जिन लोगों की राशि पर इसका थोड़ा नेगेटिव असर है, उन्हें नुकसान हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, चार राशियां वृषभ, कन्या, तुला और कुंभ, इनके लिए सूर्य देव का राशि परिवर्तन अच्छा है, लेकिन बाकी आठ राशि वालों के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। खास तौर से आप देखें तो धनु राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए और मेष राशि वालों के लिए ये परिवर्तन ज्यादा गड़बड़ है। तो बाकी की जो आठ राशियां हैं यानी वृषभ, कन्या, तुला और कुंभ को छोड़कर, इन राशि वालों को सावधानी रखनी होगी और कुछ उपाय ऐसे करने होंगे जिससे सूर्य देव के राशि परिवर्तन का नकारात्मक असर इनके ऊपर ना पड़े। क्या उपाय करेंगे? रोज सुबह सूर्य भगवान और शिव जी को जल अर्पित करें। बेहतर होगा पहले शिव जी को जल चढ़ाएं,
इसके बाद सूर्य देव को जल चढ़ाएं। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें। ओम नहीं लगाएंगे, केवल नमः शिवाय 108 बार सुबह और 108 बार शाम को। हर रविवार को किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दें, मंदिर में दे आए या गाय को खिला दें। अगर ये तीन उपाय आप नियमित रूप से करें तो सूर्य देव के राशि परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, धन संपत्ति का आपको लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा, करियर में आपको मनचाही सफलता मिलेगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिए, धन के लेन देन में सावधानी रखें, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लिए पंडित जी आज क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। नंबर 2, वाद विवाद से बचाव करेंगे। नंबर 3, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। नंबर 4, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 5, करियर में आपके कुछ बदलाव होगा। नंबर 6, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। नंबर 7, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 8, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। और नंबर 9, आज चोट चपेट से बचाव करिएगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर जानने का। आज भाग्य पहर का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और पंडित जी इस दौरान क्या करना चाहिए? आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से
7:30 के बीच में। इस समय में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा करने से जो कर्ज की आपकी समस्याएं हैं वो समस्याएं कम होंगी। अब वक्त है सक्सेस मंत्र का। पंडित जी, आज के सक्सेस मंत्र में क्या है खास? बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई इंटरव्यू है, लड्डू खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आपकी, तो हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करिएगा, काम आपका बन जाएगा। अगर हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, चिकित्सा के लिए जाना है, तो सिंदूर का तिलक लगा करके जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, जमीन, मकान, आभूषण, तो नारंगी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान जानने का। आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और पंडित जी, आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए? बात करते हैं शुभ मंगल सावधान की। आज का दिन शुभ होगा तुला राशि वालों के लिए। सारे महत्वपूर्ण काम बनेंगे, काम की रुकावट दूर होगी और धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा वृषभ राशि के लिए। धन की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। और आज सावधान रहना होगा मीन राशि के लोगों को। दुर्घटनाएं हो सकती हैं, विवाद हो सकते हैं और आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।